2023 का आखिरी दिन है और अल्लाह ताला की रहमत है कि आप हजरात साल के एंड वाले दिन पर दरसे कुरान ले रहे हैं। अल्लाह ताला जो हमसे कोताहियां हुई हैं उनको इस किताब की वजह से माफ करो, आमीन। और आइंदा से हमारे दिल दिमाग में इस कुरान की रग़बत पैदा फरमाए, फहम अता फरमाए। आप सब जो हैं वो इस कुरान के दाई बन के सामने आए इस माशरे के अंदर। कुरान मुश्किल नहीं है, कुरान आसान है, सबसे कुरान आसान किताब है। मुकाल कुरान अलकमर की 4 आयात हैं। इनसे मजहबी पेशवा ने कुरान को मुश्किल बना के पेश किया है। 18 उलूम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये कितने उलूम इसने बयान किए आपके सामने। अब कंसेंट्रेशन दें इस कुरान की तरफ, जैसे सूरह अल आराफ आयत नंबर 204 में फरमाया, वाइज़ा कुरिया अल कुरान फस्तमिउ लहु व अनसितु लअल्लकुम तुरहमून। जब आपके सामने कुरान आए, दिल के खिड़कियां खोल, दिमाग खोल लो अपना, सब जो दिल में सदियों से सुनते आए हैं उनको साइड पे छोड़ दो, उनकी बातों को। हाँ, उस कहे मैं कुरान सुन नहीं, और कुरान जो 1400 साल पहले नाजुल हुआ था, जिस इन मजहबी पंडित ने उसके ऊपर मरण टनन मटी डाल दिया, दबा दिया कुरान को, और इनके खिलाफ इस्तगासा दायर होना है। सुन लें आप, नबी की तरफ से इस्तगासा दायर हो गया इन मजहबी मुल्लों के खिलाफ, जिन्होंने जो सद बने हुए हैं, जो संगे ग्रह बने हुए हैं कुरान की रास्ते में। वो अल्लाह फरमा, ये 25 जरा देखें आज, हाँ ये देखें, हाँ क्या कह रहा है कि माजूर करके रहता है, नसीहा बांध बंद देता है। वा काल रसूल देखें 25 फुरकान, ये मेरा फुरकान ही है, फुरकान है। हाँ जी, ये आप देखें, जिनके पास घरों में कुरान खोल के सामने रख रहे, 25-30 निकाले, ये हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उन्होंने खुद कंप्लेंट करनी है अल्लाह के हजूर में हमारी। 459 सफ़ा वकाला रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तखजू हाज़ल कुरआन महजूरा। ये किसको कहा 1400 साल पहले? हमें कहा है, ये हमारे ही पैगाम। मैं शिकायत करांगा, मैं तड़ा इस्तगासा दायर करांगा। ये किस उसूल को मानते हैं, किस किताब को मानते हैं? इनको झुंझोड़ना है, इनको एक्सपोज करना है, जो कुरान के सामने रुकावट बन के खड़े हैं, कंध बन के इनका इनका मुकाबला करना आप लोगों ने, अल्लाह की तौहीद को एस्टेब्लिश करना, रेट ऑफ अल्लाह, रेट ऑफ अल्लाह कायम करनी है अपनी दुनिया के अंदर। अभी जो आपने पढ़ी आया था, ये रेट ऑफ अल्लाह कायनात में कायम ही है, बिखरी पड़ी है, बिखरी पड़ी है। ये नहीं करने देना, ये सबसे बड़ा मुल्ला जो है मजहबी पेशवा, ये नहीं करने देना रेट ऑफ अल्लाह कायम। जब तक आप अल्लाह को नहीं समझेंगे, किसकी इबादत करनी है? वो तो किसकी इबादत को, किसके झुक रहे हैं? पहले उसको तो पहचान लें, डिफाइन कर लें, डिफाइन तो करो, वो कौन सी हस्ती है जिनको उन अल्लाह तआला ने उन हस्तियों को कंडेम किया, वो कौन सी हस्ती है? ये जो अपने आप इख्तियार सौंप के अपने लेके बैठे हो, मैं फरान फलाना कलंदर फलाना गौश को फलाना दादा फलाना, ये सब अल्लाह के पावर्स को इन्होंने समेटा, किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है। अभी चल रहे हैं हमारे लेक्चर, यही चल रहे हैं तौहीद के, तौहीद को छांट पड़ के भाई लाने करा से, व्हाट इज तौहीद, अल्लाह क्या है? जब तक अल्लाह इलाह नहीं समझेगा इंसान, कोई उसी कदर नहीं है अल्लाह की नजर में, बुनियाद नहीं मजबूत। वह माँ कदर उल्ला हक का कदरी, कहाँ तुमने पहचाना है अल्लाह का हक, किसने पहचाना अल्लाह का हक? ये जो आयत इसने बयान की है साइंस की, ये एक आयत मेथड ले रहे हैं, ये
सफा नंबर 617 निकालें, क्या कह रहे हैं? ये तो कुरान तो सामने आए नहीं, इस मत के बदकत से मत ही है। और सर ये वो आयत रहेगी 25 की मैं थोड़ा बयान कर दिया हूँ, पहले वो ही देख लें 30 है। ये देखें जब मैं आपसे सामने पेश करना चाह रहे कि क्यामत के रोज अल्लाह का नबी हमारे खिलाफ इस्तगासा दायर करेगा, कंप्लेंट बड़े दुख से बात की जा रही। फरमाया वक़ाल रसूल, 30 नंबर आयत देखें 25-30, वक़ाल रसूल, रसूल फरमाएंगे या रबी ऐ मेरे परवरदिगार, इन्ना कौमी तखज़ू हज़ल कुरान महजूरा, इन्होंने मेरे कुरान को जकड़ रखा है। था कहते जी समझ नहीं आता सी, समझ तक धन कितों आना, तेरी जबों कदम होनी चाहिए फिर समझ आना। तो जेबा ने ना गन गुम खालिस इस विदाउट कंसिडरेशन विदाउट मुआवजा बयान करें कुरान तक पर ठीक है थे सभी 18 लोन चाहिए और लोन सीख देते कि मर जाते, वो कुरान नहीं आता ना। मैं दावे के कह सकता हूँ जितनी मर्जी तस्वीर तफासिर पढ़ें, जितने मर्जी आप तर्जमे पढ़ें, जब तक आपके अंदर इल्मे इलाही नहीं होगा इसको खोलने के लिए आप नहीं समझा सकते। ये अल्लाह की देन है, देन होती है, मिलन दोनों का है अल्लाह ने, मेरी तरफ से देन होती है। तो अब फरमाया इस्तगासा दायर होना मेरे भाई है, ये आपको इसलिए समझा रहा हूँ आप दिल की दुआ की खिड़कियाँ खोल के बैठा करें। ये आम बात नहीं है, ये आम बात नहीं है, किसी मौलवी का बात नहीं है, ये कि स्टूडेंट कुरान है, तलब इन में कुरान की आवाज़ है जिसको अल्लाह ताला ने अता किया। आप भी बने मेरी जगह, आप सैकड़ों बने, इनको पकड़ने, इन्होंने कुरान को दबा दिया। वह काला रसूल, कहेंगे रसूल या रब्बे इन्ना कौमी तखर, ये मेरी कौम जो है जो मुसलमान कहलाते थी, कलमा पढ़ लें मुसलमान है सारी सिफारिश हो जानी है। अब जाहिल अब कैसे ने तुम्हारी सिफारिश नहीं करनी, ये गलत पहनी निकाल लें, इन्होंने डाली हुई है सिफारिश होनी है, बदमाशा नहीं सारा सिफारिश अब रसूल करेंगे दावा नौजूबेगा, कभी नहीं हो सकता। लाख ला लाख शबा लाभ, 3 तो ला लगे हुए हैं, हमने कई तफर पढ़ा, वहाँ ना यारी है ना दोस्ती, हम ना सिफारिश में पैसा, कोई काम नहीं आया, अपनी गलती दुरुस्त कर जाए। तो ये देखें जो बेटे में तलावत की थे साइंस रूप से छोरा नहीं हामिम सजा 617 सफ़ा निकाल के दिया है, बड़े इलाज अपने बेटे ऊँचा पढ़ा 617 सफ़ा और आयत नंबर है इसकी 53 सूरह हामिम सजदा आ रही है पीछे से 53 पढ़े देखा अखड़े अकड़ पढ़े देखे बांगे दोहल ऐलान करवाए जाए, कोई इनकार करके थे कि दिखाए उन फोर्सेस का जो कायनात में फैली हुई है। वो कायनात उसे कैसे समझ सकते, अल्लाह नहीं समझा, अल्लाह का तशक्स नहीं रख ली कायनात को, तो मैंने मामूली बात है और वाह वाह वा, ही खड़ा करता है दरान बड़ा स्टेशन अपने ऊंचा अपने नहीं उसके उसके ऊपर वाली पहली अदरा ऊंचा उसके इनसे आवाज भी आए ना पढ़े सोनू री हिम सारी दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं उनको आगाह करके कह रहा है सानू रिहिम
जरूर बर जरूर दिखाएंगे हम सानो री हिम देखोगे तुम क्या देखोगे आयातें मेरी निशानियां जो अभी बयान कर रहा था बच्चा मेरी निशानियां हमें कब तक गद्दा हमारे इसकी ये रेडियो वजह की का जो जिसने सोच की है उससे पता है इन मुल्ला का पता है 18 अलूम हो तो कुरान समझ आता ये तो छोटा फरी समझ आ रहा है हमने तो कोई अलूम नहीं पढ़े डायरेक्ट कुरान अल्लाह ने दिया है हमें डायरेक्ट कुरान ये बहुत बड़ी देन होती है साहबा का कितने साइंटिस्ट थे उनको समझ आया था ना उनको समझ आया था जी अनपढ़ थी अनपढ़ बड़े लिख रहा डिफरेंस ही नजर नहीं आया जेड़े कुरान सुन के निकल गए थे कुरान दे दस वर्ष बने थी थोड़ी दुनिया च पै गए वो कुरान चाहिए हम और मैं उस सिचुएशन में जाना चाहिए 14 साल पहले बड़ी ये जो है ये डालडाई माहौल है डालडा नहीं समझ जाते इतना कुछ उसके ऊपर तह चढ़ जाती है गंद गंद की कन्फ्यूजन क्यों फ्यूजन फैला हुआ कहीं पीर बाबे बन के बैठे हैं कहते ढोल पर चल रहे हैं सरदारी दी हो रही है खबीसा अल्लाह का आप सामने जाना नहीं तुम लगे तुमने जवाब नहीं देना वहां जाके डेफिनेटली दिखाएंगे हम अपनी आयात कहां यूनिवर्स जो अभी बयान कर रहे थे अभी तो कुछ नहीं बयान आया ऐसे ऐसे आपके सामने आएंगे मजाहिर फितरत हैरान रह जाओगे हम दिखाएंगे तुम्हें निशानी है फील आफाक आफाक कहते हैं यूनिवर्स को कायनात के अंदर और फी अनफुसिहिम तुम्हारी बॉडी के अंदर जरा काउंट तो करो क्या क्या किया उसने काउंट तो करो आंख आंख पर गार कर लो क्या दिया उन्हें तो उसी ऐसे आया तसीना कर अपने कॉल पोथियां बयान ऐ फलाना वाक्य ऐसी बड़ा फलाना निभाया था और यार ना तेरे में मैं पार कुरान की बात करें जिसके लिए साहबा कहाँ के कहाँ पहुंच गए ये उनके पोथियों के जरिए जमीने में धस गए सारे वो मजहब है ये दीन कुरान में दर्ज है मजहब क्या ऐसी हम दीन को मानते हैं जो कुरान में दर्ज है इंदला है खालिस इन दीना इसके अल्लाह का दीन खर्च इसके अंदर हाँ सानू रीम आयाती ना गौर करें आप अपनी गुर्दों पे गौर कर लें कितने डॉक्टर फड़के बैठे होंगे गुर्दे सही कर रहे हैं डैमेज होना कितने सही होने वो पैसे बना रहे होंगे जिगर खराब हो गया कैंसर हो गया चले जाए चौक तो खाना मार जाओ इन्ने लाख रुपये जमा कर दे गौर आप गौर के फ्री दिए जी बॉडी फ्री मिली है एक पैसा भी खर्च नहीं आया कितने कितने फंक्शन इसके अंदर डाले हार्ट को देखें थोड़ी सी तो नारी को देखें ये दिया भाव सोचने के लिए कभी सोचा इसके जरिए कुरान देखा है इसके जरिए लंत यो ये लंत ज्यादा लोग हैं हम सारे कुरान से दूर हैं वो कहता है तुम्हें दिल दिया दिमाग दिया कान समा दिया बसर दिया समा बसर कभी गौर किया है चीजों से तो अलाइका कल आना और तो उसे डंगर और डंगर वालों अदल उससे भी बदतर तो हर घर में कुरान मौजूद है कौन गौर करता है जिस को तो बची जाती है और उसे कुरान ले आकर सिर दे नांगा ने बड़ी तजीम हुई जोड़ा उससे पहले जो फंक्शन किए हैं वो कुरान के मुताबिक किए वो सारा उम्र तो कुरान के खिलाफ तो उनमें किया है थार के त्यौहान की हो जाएगा उन ये तहा परस्तियाँ ये जहालत की निशानी है और जो जी बची जानी के लेके मेरा ख्याल ना मैं उन्हें कल तक खोली ही नहीं उन्होंने और साढ़े के बाद कराची 20 साल आए पे
ਔਰ ਵੈਸੇ ਜਾ ਕੇ ਜਵਜ਼ਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਚੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਗੜੇ ਲਾਈਆਂ ਇਹ ਸਲਾਮ ਇਹ ਕਦਰ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਤਾ ਯਤਾ ਵਈਨਾ ਲਹੁਮ ਅਨਹੁਲ ਹੱਕ ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਨਕਰ ਸੇ ਮੁਨਕਰੀ ਵੀ ਕੋ ਨਹਾਓ ਜਬ ਉਸਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਤੀ ਹੈ ਕਹਿ ਉੱਠੇ ਹੈ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਫੈਕਟ ਇਖਤਿਆਰ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠਤੇ ਇਹ ਹੈ ਹੱਕ ਹੱਤਾ ਯਤਾ ਔਰ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਰਾਰ ਰੋਮੋਜ਼ ਆਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਆਇਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਖਵਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਵਲਮ ਯਕ ਫਿਰ ਰੱਬੀ ਤੁਹਾਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਰਾ ਰੱਬ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸਜਦੇ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਕਾਫੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਣਾਇਆ ਰੋ ਨਹੀਂ ਮਾਜ਼ਾ ਖਾਲਕ ਲਾਓ ਜੇ ਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਬਣਾਇਆ ਮਖਲੋਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇੰਟ ਮਿਲਾ ਲਗਾਈ ਹੈ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਫਹਿਮਾ ਅੱਲਾ ਅਬਾ ਨਾਮ ਯਕ ਫਿਰ ਰੱਬੀ ਵੀ ਰੱਬੀ ਕਾ ਐਸ਼ੁਰ ਆਪਕੇ ਲਈ ਆਪਕਾ ਰੱਬ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਤਨੀ ਇਤਨੀ ਬਰਕਤ ਇਤਨਾ ਇਸ ਬਾਡੀ ਕਰ ਗੌਰ ਤੋਂ ਕਰੇ ਹਮਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਭੀ ਗਾਰ ਕੀ ਕਾਲਾ ਪੀਲਾ ਛੋਂਗੇ ਖੋਟੇ ਫਿਰ ਜੋੜੇ ਪਏ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਠਾ ਕੁੱਟ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੱਪ ਤੱਪ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਖਾਇਆ ਸਵਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚੌਂਕ ਜੰਗਲੋਂ ਸੇ ਬੱਤਰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਲਾਈ ਕਾ ਕੱਲ ਅਨਾਮ ਮਲ ਅਮ ਅਦਰ ਉਸੇ ਵੀ ਗਏ ਗਏ ਤੋ ਇਹ ਮੈਂ ਆਜ ਇਸ ਲਈ ਬਿਆਨ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾ ਅਜ਼ਾਫਾ ਕੀ ਅਬ ਜਰਾ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਆਪਕੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਦੁਰੂਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੌਹੀਦ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਹੋਏ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਇਹ ਬਤਾਨੇ ਕਾ ਮਕਸਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੌਹੀਦ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਪਛਾਣ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਅੱਲਾਹ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਆਫ ਅੱਲਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਲਾਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਬ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਕਾਵਰੀਨ ਲਾਇਜ ਕਰਨੇ ਕੀ ਤਗੋ ਦੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣੇ ਕਾ ਸਾਬਰ ਮਰ ਜਾਏ ਉਸਕਾ ਕਿਆ ਮਸਲਾ ਦਸ ਅਰਬ ਕਾ ਸਾਬਰ ਸਫਾਇਆ ਕਰਦੇ ਉਸਕਾ ਕਿਆ ਮਸਲਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੋਝ ਤਨਾ ਦੇ ਹਨ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਛ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਟ ਹੀ ਨੇ ਕੁਛ ਅਜ਼ਾਇ ਕਰ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਇਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਇਹ ਸਮਾਜਦਾਰ ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਰਿਆਸਤ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਣੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕੀਸ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅਲ ਦੇਖੇ ਜਾ ਕੈਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਇਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜ ਕੇ ਜਿਤਨਾ ਆਪਕਾ ਜੋਸ਼ ਜੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਕੇ ਜੋਸ਼ ਜੋ ਹੋਈ ਕੁਰਾਨ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਾਤ ਆਪਕੀ ਤਰਫ ਆਏਗਾ ਇਹ ਕੰਜੂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਕੰਜੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਕੰਜੂਸ ਕੋਈ ਆਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਕੀ ਬਾਗ ਗੱਲ ਸੇ ਕੋਈ ਲੈਣੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ 408 ਸਫ਼ਾ ਨਿਕਾਲੇ ਹੈ ਇਤਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਲਾਮ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੇਨ ਖੋਲ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਪਰ ਗੌਰ ਕਰੇ ਤਰਜਮੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰੇਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 21 ਬੜਾ 19 ਹਾਂ 19 ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲਹੁ ਮਨ ਫਿਰ ਸਮਾਵਾਦੀ ਵਲ ਅਰਧ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਮਲਕੀਅਤ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਤੋ ਖੋਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਕਿਆ
तौहीद का मंबा अल्लाह है। तौहीद 13 साल लगे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के अंदर तौहीद समझाते और फिर कर कला कामा करते हो बात को तो टकराने की जरूरत पैदा की जनाबे नबी मकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन भेड़िया ने आके हमें पछाड़ के रख दी कर भेड़िया नकब जनी करते हैं नकब समी 1000 साल से हो रही है नकब समी कुरान के आगे जो कुरान का नाम में थे उसके फुलाव होते हुए ये तो वो है ये तो वो है। अच्छा तुम क्या इतना प्रॉपर गंडा इन सदियों से फैलाया कुरान मुश्किल बड़ा कुरान नहीं समझ आ सकता आना तो हमारे सामने आके बैठो तो समझ आएगा इंशाल्लाह आना क्या मैं ये एक महफिल में आया कहे कि मुश्किल लग रहा है कुरान कहता है शफी साहब 4 मुकामत सूरह अल कमर है कि हमने वलकद यस्सरना अल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर हल मिन मुद्दकिर वो हमने तो कुरान का आसान से आसान बनाया मयसर कर दिया जसियार कर दिया है कोई है समझ ना रहा ये कहते करो गौर करने वाला है उसी के समझ आएंगे मगरमच्छ नहीं समझ आती जिनके मुहादत अजीज होते हैं और फिर अल्लाह ने फरमाया इसी सूरत है ये जो मैंने 21 बारी इसकी 10 नंबर देखें क्या क्या है जी 21:10 देखें मैं कहता हूँ आपका लगा हो जाए आप बेचैन रहेंगे हर वक्त इसको ढूंढ रहे यकीन करें ऐसे ऐसे मुकाम आते थे तासरात दिन पे आते हैं खुद ब खुद इंसान को रोना आ जाता है यार मैं क्या क्या मैंने क्या क्या इस किताब को छोड़ के मैंने क्या कमाया अल्लाह तआला आज तक बर्दाश्त है 407 सफ़े और सुन तो लो अल्लाह तो कहता सुन तो लो कहते हैं लकद अनजलना इलैकुम किताबन कहता बस ताकि किताब तो हमने ही भेजी है लेकिन इसके इसके अंदर जिक्र तो हमारा किया है बच्चे लकद अनजलना इलैकुम किताबन फी ही जिक्र कुम और तेरा के जिक्र है ताकि गलबात की थी है देखो तो देखो देखे आता और तो करो तो अफला ताकि नो और कल खोल ले कल सम्मान कर ले अल्लाह दे बंदे हो अफला तो अकील हूँ देखा अकल तो असी देती मौलवी ने तो पीर हूँ समझ कितों आए उन्हें उन्हें कल पहले कहते ये साढ़े को लाने ओ जुती दे थां दे अकल ना क्या ही साढ़े ने गाल का नहीं तो बस सुनी है तो लाभ बंदो गोश बंदो बन कर साढ़े गल ना सुनी है साढ़े की है समरा छुआए गमरा ही है तो सजदे तुसी कराउंदे माल तुसी लुटदे गरीबा मस्कीना एक अंदर होया लुटदा सी माल और मुल्तान दी गद्दी ते बैठ के पता चल नंगे पैर उत्थे आंदे सी ना ते किथे तेरी बलायत अपना फायदा करे तेरी बलायत की है किथे है तू ते पीर बनया तू तो पीड़ा करनी सी आप पीड़ से चला गए एक नहीं विश्वनाथ लखा जी ने दसिया सन छब्बी सन 21:10 जो बयान किए आज लकद अनसलना इलैकुम किताबन फी जिक्र को बनी इंसान का जिक्र है तुम्हारा जिक्र अल्लाह का देखो कितनी लंबी बड़ी हमारे अल्लाह ने रहमत भेजी थी किताब 1400 साल मैं आपको उस महल में लेके जाना चाह रहा हूँ जिसने नबी को मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किताब पेश की थी जिसको अनपढ़ और नबी में नहीं अनपढ़ पढ़ रही थी नबी उम्मीद मतलब अनपढ़ इनको क्या पता यार उम्मीद कैसे कहते हैं खुदा का खौफ नहीं आता अल्लाह के मक्के में उमल करा क्या जाता है ओ उमल करा है मक्का
ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਰਸੂਲ ਸਭ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਨ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪੇਸ਼ਵਾ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੋ ਲੋਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਕ ਦਊਂ, ਜੋ ਕਿਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਥੇ, ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਦਾਰੇ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ, ਇਨਕੇ ਬੜੇ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਦੇਤੇ, ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਬਕਾਤ ਨੇ, ਯੇ ਦੇਵਬੰਦ, ਯੇ ਫਲਾਨ, ਯੇ ਫਲਾਨ, ਉਹ ਕਾ ਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਦ ਡਾਉਨ ਆ ਗਿਆ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਦਰਸਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਦਰਸਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਦਰਸੇ ਭਰੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪੈਰਲ ਫੌਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕਿਆ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਥੇ ਲਾਇਲਾ ਕਿਆ ਇਨਕੋ ਕਿਆ ਪਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹਨੇ ਮਿਲੀ ਜੋ ਸ਼ਰੀਕ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਆ ਕੇ ਦੰਦਨ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਰਾਚੀ ਬੈਠੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਲਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੇਬਾ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਾ ਦਈਆ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮੇਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬਾਗੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੀ ਹਰ ਬੀ ਮਿਨ ਲਾਹੀ ਵ ਰਸੂਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਈਸਾਈਓ ਕੇ ਵੀ, ਈਸਾਈਓ ਮੇ ਵੀ ਜੋ ਰਿਬਾ ਹਲਾਲ ਹੋਈ ਥੀ ਤੋ ਉਨਕਾ ਵੀ ਜੋ ਪੌਪ ਥਾ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾ ਵੋ ਇੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਨੀਚੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਗਾਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸੂਦ ਕੋ ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਕਾ ਤਰੀਕਾ ਨਿਕਾਲਾ ਹੈ ਵੋ ਖੁਦ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦਾ 70% ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਹਾਂ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਲਾਮਾ ਇਤਨੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੇ, ਸੂਦ ਕੋ ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੱਗ ਕੇ ਸੂਦ ਸੂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੂਰ ਕਾਲਾ ਹੈ ਤੋ ਹਲਾਲ, ਜੋ ਰੰਗ ਵੀ ਹੋਏ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਸੂਦ ਕੇ ਜਿਸ ਰੰਗ ਵੀ ਆ ਨਾਮ ਦੇਣੇ, ਇਸਲਾਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬੇਇਸਲਾਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਦੋ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਰਾਮੀ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਮੇਂ ਸੂਦ, ਦੋਨੋਂ ਮੇਂ ਯੇ ਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਯੇ ਅੱਲਾ, ਯੇ ਸਮਝਿਓ ਕੁਰਾਨ। ਮੈਂ ਆਕੇ ਜਿਹਨੋਂ ਕੋ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਆਪ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਹੈ, ਯਾਂ ਜੋ ਆਤੇ ਹੈ ਮਾਮੂਲੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਆ ਰਹੇ, ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਖਾਲਿਸ ਕੁਰਾਨ ਆਪਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਮਸਜਿਦ ਅਜ਼ਾਰੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਮਸਜਿਦ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਖਤ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਆਪਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਹਮਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਹਮੇਂ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਦੇਖੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੋ 21ਵੀਂ ਚਲੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾ ਮੋਲ ਕੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਾ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫੇ ਹੈ, ਅਨਮੋਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹਮੇਂ ਦੀਏ, ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਵਾਂਟੂ ਵਾਂਟੂ ਸਾਰੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗ ਜਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਆਪਣੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਲੂ, ਮੇਰੀ ਅਟਮੋਸਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣੇ ਭਾਈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈ, ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੌਹੀਦ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬਿਠਵਾਇਆ, ਵਲਹੁ ਮਨ ਫੀ ਸਮਾਵਤੀ ਵਲ ਅਰਦੀ, ਇਹ ਆਜ ਨੰਬਰ 19 ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਸਮਾਵਤ ਮੈਂ ਔਰ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਹੈ ਵੋ ਅੱਲਾਹ ਕਾ, ਵਲਹੁ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਕਾ, ਇਸ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਕਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਸਭ ਸੇ ਬੜਾ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, 20,000 ਇਹਦਾ ਹੀ, 40,000 ਉਹਦਾ, ਏਕੜ ਫਲਾਣਾ ਉਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਘਰ ਮਰਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ
अल्लाह की जमीन काबज करके कब्जा हजारा लोग लखों लोगों महरूम किया है और उन्होंने कभी कम लेंगे सारिया किसानों के बेचारे सारा साल उन्होंने तन तो कपड़े भी नहीं होंगे जती नहीं होंगे कायनात की कोई चीज अल्लाह के सामने तकबर नहीं करती सवाए इंसान तो एडा टीट बदबख्त है अल्लाह ताला ने छोड़ दी है इंसानों जबर नहीं करता जबर करे सब समैश की रामत है उन्होंने कहना जबर दो रस्ते दस एक राइट है एक रॉन्ग तू जरा मर्जी इख्तियार कर ला रिजल्ट ते तेरे हाथ नहीं होना जो ना है जो जो दस दो रस्ते अपना ले लेकिन रिजल्ट तेरे चलिए है सफारशा ने कानून ही चलने बेटा सफारश हो जाएगी तेरे सारे शिकार दे दोनों भैया मार के हकूक डाके लोगों के इतों ले जा इतने पैश कर उसे सफारश होता उन्होंने रखे ना ये गलत कंसैप्ट है कोई सफारश नहीं मैं तो फैसले एक ही देना जजमेंट दे एक ही दो ना उधर ही सफारश काम चलने तो सारा निजाम ही खत्म हो गया तकबर नहीं करता कायनात से तकबर है ही नहीं कायनात हाथ उसके आगे झुकी है आपको पौधों के देखे पौधों के कीड़े को दे सब झुका है ये नहीं ओदे कहन दे बतावो को गुलामी से छता भी नहीं करती कायनात की और ना थकते ने वही कायनात सूरज थके चल रहे कभी थकते हो आगे है अल्लाह ताला ने फरमाया युसबिहून يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا نهار دن رات چلا اپنے ٹائم تے آ جی نہیں چاند تے چلے اللہ یعنی انسان جڑا ایک کافر اور ظالم ہے خود نمو تکبر اللہ تعالی چاندا تے میری جتھے کائنات دے جڑے او رولز ریگولیشن فالو کر دے تسی وی او رول جڑے تیار ہوسے او فالو کر ये ही उसकी ताहिर है तस्बीह का मतलब क्या है सबह सीन बहा मतलब जेरे गर्दश रहना मूवमेंट रहना जो अल्लाह ने उसे जिम्मेदारी है हुक्म की पाबंदी और पासदारी 24 घंटे ये सबह है जो सब तस्बीहां पढ़ाती हैं ताजे तस्बीहां पढ़ाती हैं कमाई जाओ तस्बीह ये तो ईरान की खतरा है अल्लाह ने कोई का तस्बीह में हाथ में कर प्रैक्टिकल वर्क करना ये तस्बीह है जिस तरह चाहता उस तरह वर्क करो दिन रात ये तस्बीह होती है सबह होता है इन्हें सारी टर्मिनोलॉजी खराब कर छी करा दी आगे फरमाया कहते हैं अमित ताखिज हो अली हतन मिनल अर्दी हम यून से हो अमित खजू क्या तुम्हें पकड़ रखा है पीरों को बाबों को मजहबी पंडितों को यशस्वी पंडितों को इलाह बनाया हुआ आजकल ढेर लगे हो उनके दरबार में जाके देखे करोड़ों रुपया बटोर रहे हैं टिकटों देने का ये मुतकबरीन ये अंदाज मिंदूनिला क्या कर रहे हैं उनको चक्करवाद ये अंदाज है मुशरिक उनके मदे मकवल खड़ी हैं फोर्सेज अल्लाह के अमित खजो आलिया ये सब इलाह है माला के मदे मकवल खड़ी कोवते आपके फरमाया अमित खजो आलिया तम इन होम यून शेर कुछ बना लिया ना आपने बनाओ देखेंगे
क्या होता है, ये तो दोबारा वहाँ इनकी हाजिरी लगनी है। अगर अल्लाह ने आगरी आए थे देखे इधर, ये एक्सट्रीम में आखिरी बात कहते हैं और बड़े फैक्ट है, इंस्पेक्ट आ गया कहते हैं लव का ना फी ही माँ अली हाथन ये दो अल्लाह में जुतियां जुतियां हो रोज होंगे अल्लाह काफी बन गए ना जमीन ते जमीनी अला जुतियां जुतियां रोज होंगे। वो कहना लव काना फी हिमा आलिया अज जमीन और समान दे बिच दो लाने ला फसा दा ता फसाद खत्म नहीं है उसना एक ना कहीं मैं बारिश हो रही है दूसरे ना मैंने धूप भी नहीं करना तीसरे ना कुछ और चौथे ना कुछ। ये सबसे बड़ी दलील है अल्लाह के एक होने है के वाले ये दलील है बड़ी जबरदस्त। वो कहना है एक होर हों फसादी फसाद कैसी बड़ी जबरदस्त चौदह ये है 1400 साल पहले ये बयान आया था। तुम्हें क्या पता इब्राहिम कौन है नूह कौन है तुम्हें क्या पता मूसा कौन है। जब मूसा से कहा इत खोला मेरे सामने खोलो मेरी गल ध्यान न सुनी वो 20 बड़ा 14 मैं कई दफा वाला गिरसा कहना इधर भाई सामने खोलो मेरे मेरी गल ध्यान ना सी देख लो हवाला देख लो बड़ा मजेदार हवाला 14 शनाख्त नहीं कराई ये देखा 20-14 मिनट में भाई 393 सफा है 393 मैं कहता है ऐसा ये ज्ञान पैदा करता नक्शा सामने लाया 4000-5000 साल पहले 3-4000 साल पहले उन्हें क्या ये 13 नंबर ऊपर से वाकई आ रहा है मूसा अलैहिस्सलाम का। मेरे भाई आपका नाम क्या मिराज खाली माशाल्लाह। अच्छा आप बड़े पढ़े हैं अच्छे था 13 मिनट ये मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया आ रहा है माशाल्लाह। चलो पढ़ो। अच्छा मैं तो इननी अनल्लाह नहीं उठ सके ऊपर हां वनफ्तुका फस्तमीलिमा यू या जो है ये ही मूसा अलैहिस्सलाम सामने खड़ा के ना अपने कहंदे ने अल्लाह ताला पर भाई गल सुन वह अनाख्तार तू का मैंने तुमने मुंतखब कर लिया चुन तेरा चुनाव कर लिया हाँ लियास और बात बात सुन जब आपका मुखातब समय नहीं मैं कर रहा हूँ या त्याना का एडी तो आया है त्याना गल सुनी त्याना सुनी दिन दे खाने खोल के फस्ता में मिले मायू हा बे गौर से सुना जो आपको वही कर रहा हूँ अल्लाह कह रहे हैं आज ही आज हमसे भी वही कर रहा है ये बात हाँ। ये सिर्फ सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम के वाले से नहीं है हमारे भी रहनुमाई है सानू भी कह रहे हैं अब गौर से सुना इस वही को हर समय मायू हा क्या बात करनी है ये तौहीद अल्लाह ने फरमाया इन्ना नी अल्लाह मैं अल्लाह हूँ मैं अल्लाह हूँ मेरे ध्यान कर मेरे वाले पैगंबर है तो सहरा च खोला था कला ही बर्फ बर्फ पे तुसी इमेजिन नहीं कर सकते सहरा रहा खाली पहाड़ सर मेरे खड़े थे वहां एक बंदे को खड़ा कर इतनी बड़ी मूवमेंट का दाई मुकर्रर कर थोड़ी नहीं उन्होंने सैक्रीफाइस की ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹਸਤ ਮੈਂ ਲੈ ਮਾਇਓ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਰਫ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਫਰਮਜ ਲੈ ਮੈਂ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸੇ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਤਾਰਫ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਗੇ ਕਰ ਚੱਲਣਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਨਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਕੇ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਸ ਕੇ ਅੱਜ ਫਰ ਵਟ ਪਰਪਸ ਹੈ ਤੁਮ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਛਾਣੋ ਜੋ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਤਖਰੀਕਾਰ ਹੈ
फरमाया इन्ना नी अन अल्लाह, मैं अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अना, मैं सब मैं ही मैं हाँ, कोई और इलाह नहीं है, कोई दाता, कोई 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 उसके सामने कोई है नहीं, कोई हंसी नहीं ठहर सकती। ला इलाह का मतलब ये होता है, ला इलाह का मतलब भी नो, पहले कलम फेरनी है उन सब हस्तियों के ऊपर जिनके पास ज़्यादा सा भी इख्तियार नहीं है। और हत्ता के रसूल सल्लम को सूरह यूनुस से फरमाया ला अमली को लिनफ्सी दर्रम वला नफा, मैं तो अपने नफे नुकसान कर में इख्तियार नहीं रखता, तुम्हारे ही मैं कर कर कह सकता हूँ। ये नबी का फरमान फरमाया गया बयान है, इसके दिलवाया गया नबी के कैसे कैसे कौन से मजहब की बात करते हो, मजहब का इसके साथ कोई तलक नहीं, दीन का तलक का कुरान से, और मोमिन का तलक कुरान के साथ जुड़ना चाहिए, मोमिन कुरान के बैग उसको तड़प लगनी चाहिए, जैसे पानी मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, मोमिन कुरान के बगैर नहीं रह सकता, तड़पती है, क्यों, इसके जरिए हयात मिलती है, कुरान के जरिए जिंदगी मिलती है, जिंदगी जैसे पानी नजला होता है इसके अंदर आया है, बड़ी आयता बड़ी मजदार, जैसे अल्लाह ताला पानी नाजर करता है तो रोयदगी आती है, जमीन ऊपर हरियाली आ जाती है, ज़रात फसलें फल फ्रूट उस पानी से, तो ये भाई पानी ऊपर से ही आया हुआ है, इसको इसको पी के देख लो, ये है शराबन तो हो रहा ये इन्होंने आगे जाके पी कौशल भी है, और कुआं खोद के ना उसे मोती साहब जाके फलाएंगे पानी पीएंगे, कहना रसूल ने खड़ा ना उसे हौर से डब्बे भर भर के इन्हों पराया कर बदमाशा मुनकरी ने आया मुनकरी ने सोल मुनकरी ने कौन इनको पानी पे सिया जाए, रसूल अंदाजा लाए, अकल नहीं इस्तेमाल करने, और भाई अमला ना गल करनी है, अमला को जी होनी है, उतने नहीं दोनों में चलनी, तो फरा ला इला इला ला इला को समझे बंदा, व्हाट इज ला इला, पाकिस्तान का मतलब क्या ला इला, कितने ला इला जरा बताए ना, किस कोने से ला इला कानून चुराए, कहाँ ला इला पाकिस्तान, इसीलिए मार पड़ी इस कौम को, ज्यादा नहीं जीना इसके दिन थोड़े ही है, कुरान की रोशनी में बात करता हूँ, यही कौम हला कर दी जिन्होंने बैकआउट किया, जिन्होंने बैकआउट किया वही और उन्होंने वास्ते की मसला है, एंजल मोनोरेट जोर आवर सन जड़ी है सफा ऐसी तो मिट गई, मिट गए जिन्होंने वही दा इंकार किया, तेरा माल मार नु देखो साडे नाल बहुत ज्यादा कुवत तो फरमाया ला इलाहा इल्ला ना, और मैं ही मैं, कान खोल के सुन लो, मेरे अलावा कोई नहीं, मेरे अलावा कोई नहीं, इन्होंने सारे निगेट कर दो, निगेशन करो, पहले इन्होंने निगेशन करनी है, इन्हें मजहबी औलाद और जागीरदार समाजदार जितने भी हैं टॉप रस्सी करते खानकाएं आबाद करने वाले, इनको सबको कहा जा रहा है, ये तो उन्हें क्या निजाम खड़ा किया हुआ पैर अल्लाह के ये शरीक बने हुए हैं, कुरान सुनो तुम्हें पता चल जाए, तुम्हें कुरान ही एक्सपोज करेगा इंशाल्लाह, मेरे जिंदगी हो ना उसके बाद अले हमारे आप लोग करेंगे इंशाल्लाह, जो बात घबराए इनसे, इनके पास जरा रति बराबर एक मक्खी का पर नहीं बना सकते, हमने पढ़ाया था सूरह अल हज, नहीं अखलूकू जबात बन, मक्खी नहीं बना सकते, मक्खी चीजें रह जाए उनके वापस ले आ दे खा जाओ मर जाएंगे, तो अच्छी बैत का लंघ दे हरामिया गोले के रखे कोरोना पे गला सुट देने अनपढ़,
अकल देर ने खाते मर जरे बैठे मुफ्त करे कैसा कुरान कुरान तो सुनाए नहीं ये तो हम इंशाल्लाह सुनाएंगे इंशाल्लाह ठोक ठोक देने की पाना इंशाल्लाह आप लोग आगे है फाबुदनी ए बंदे तू सी मेरा बंद बन जा एक दिन मान रहा उस इलाहे वाहे के मेरा बंद बन जा यार मेरा गलामी तैयार कर ला तेन कोई काटा नहीं पैदा मैं तो रहा नाल हाँ यार हमने कारण मेरे भाई ने नहीं समझाया बदकिस्मत ये तो तड़ा पला बंदा जिसको कर ला देता है वही समझता हालात को चेंज करने के वो आगे आ गया इंशाल्लाह आप सब आगे फाबिदुन ये मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम दी थी कि आ मैं तो तू मेरा अबद बनना बस अबद का है स्लेवरी अल्लाह दी गुलामी चौबीस घंटे की गल इन्होंने वो नमाज से पढ़ी है नमाज से पढ़े चलो मन सुन तो ये गुलामी है अबदीयत है हाँ आके मिसराज सलात के सिस्टम को नहीं सिस्टम को असिस्टम अल्लाह अल्लाह नूराइज करने नाम सलात दे काम होता है कुरानी निजाम नु कायम करने दा नाम सलात है उन इन टोटल इन्होंने चार पांच टाइम मास साल तो रोजे हज कर उन्होंने कहा चलो एक बात ये बात तो हो गई और किसके लिए करने इलाहे बात है तर्ज है ही नहीं तुम तो मुशरक जाने मुशरक वापस आ जाते फिरका बनी शिरक है कुरान की रूह से जाए आज कल वो एक्सेप्ट करेगा तब फिर ही है फिरका फिरका छड़ के जाना जिस फिरके गया उसे फिरके वापस आ गया जिस फिरके जाते ना शिया सुन जो भी उसे ही वापस आ गया उसे डगर से फिर चल ये कैसी ये दीन है दीन एक होता है मुतहदा कुरान की छाइन है कुरान आ गया था मोमिन के पीछे आता है फाबुदिनी और मैं आपको एक आयत देता हूँ सारे कुरान का एक सेंट्रल पॉइंट है तौहीद के साथ साथ सेंट्रल पॉइंट क्या है ये दो इक्कीस चले जाए आप कुरान तो अल्लाह के जो बंदा समझ जाए लाइन ऑफ एक्शन समझ जाए इंसान का सफर आसान हो जाता अभी थोड़ा सा शायद मुश्किल लग गया मेरी बातें समझ मैं अपनी बहनों को जो आज फैसलाबाद में माशाल्लाह इतना माहौल है वहाँ सुन रही है हमारी बहनें भाई उनका कह रहा हूँ आप सारे सिंचिन निकाल दें हर तरह के जो रोग पाले हुए हैं शिरक जसूम है शिरक जसूमें निकाल लें खालस तन कुरान की तरफ आए घरों में खोले कुरान पढ़ें बच्चों को पढ़ाएं जहाँ जरूरत हो महसूस हो हम हाजिर जितना हम कर सकें खोल खोल के इनके सीनों में डालेंगे इंशाल्लाह ये देखें इस कुरान का जिनके ना सेंट्रल पॉइंट मास्टर नुक्ता नुक्ता है नुक्ता है मास्का पहले एक लफ्ज आप अपने जेन एक लफ्ज ले ये खिताब पहला खिताब है बारी तार कहते से इंसान के लिए नास अनास कह रहा है ये पहला खिताब है अल्लाह ताला का इंसानों के या यो अनास कह मोमिन ही नहीं करे अनास पूरी क़यामत तक के आने वाले इंसान के लिए ये खिताब इलाही है मुझे आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं किसने बताई आज की आज पर या यूहन्ना कह के क्या हे बुदू मेरे अबद बन जाओ एक ही डिमांड नहीं थी बस और कोई डिमांड नहीं अबद जानता नहीं कदर अपने मौला दी कदर
उसका अबद समझ सकते हैं। अबदियत है ये इबादत, इन्होंने छोटा कर दिया इबादत करो इंसानों, इबादत इबादत नहीं है अबदियत है। 24 घंटे की गुलामी में आना अल्लाह ताला की, यही उसके कानून। जहां भी आप कोई काम करें कारोबार करें दफ्तर सिर्फ आपको उसके जो कवानीन है उसको सामने देखें, इतनी बैठ जमान ये है अबुद का काम है। उधर इशारा देखता है कि मालिक चंद इशारे न चल रहा है, ये अबदियत होती है। या ये नासबुदू एहसानो मेरे अबद बना, इतनी जीवान समझ नहीं आती इंसान। इसके लिए अलूम चाहिए थारा लूम, ये समझ नहीं आती आए थे। अबदियत किसे कहते हैं? आगे है किसकी अबदियत अख्तियार करनी है? जगीदार समायदार और मजहबी पेशवा सियासी पंडित अबदियत अख्तियार नहीं की करनी। और ये अबदी तो बने हुए जद पला पा के आ जाने, ए साडा बंदा मर गई साड़ी पार्टी छाल मोल हो गया, तुम कौन होते बाइफिकेट करने वाले लकी मखलू को? तुमने फिर कर बंदी कर दी, इंसानों को बांट दिए। अल्लाह ने तो जड़ को रखना था, मुझे वाहिदा का तस्वर दिया मेरे मालिक, कहाँ मुझे वाहिदा कॉन्ट्रैक्ट टूटे फिर पैदे ने लोगों ने अपनी मुठ से लेके हर बंदा कोई 100 है कोई 50 है कोई लाख हो वाइफर केक किया परी उम्र तो 25 करोड़ इंसान इस वक्त फिर को मैं बांटे हुए सियासी नहीं है और मजहबी है, किसने हक दिया तो कहला कि अबदीत को छोड़ कर इनकी अबदीत हथियार के यो तो अपनी अबदीत करा वो क्यों कराया करा रहा है? कहते हैं रब्बा को मुल्ला की खाला का कौन बताओ जरा, ये तो खुद तखलीक शुदा है, इनकी तक इनके अबदल बना जो आप खुद मखलूक, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। कहाँ से उठाता है इंसान को कहता कि चुप जाता है? ये अल्लाह करता है जेरे फ्राइलर ये अल्लाह करता है। कायनात की अभी बातें सुनी है साइंटिस्ट क्या क्या निजाम चला रहा है, हम मेरे सोचो से ऊपर हम समझ नहीं सकते उसके निजाम के। इन्होंने बिना करके था इंसानियत मत मारती फरमाया रब्बा कुम अल्लाह जी खाला का कुम, वो रब जितने तुम्हें पैदा किया है उसकी बदियत हमारा साहबा उसकी अबदियत आए थे तो उनके मुकाम देख कर कहाँ पहुंचे, ये है ईमान कहाँ पहुंचे हैं? मैं अनपढ़ सी अनपढ़ तो आप क्या जानो उसकी उनकी कदर मंजर क्या है। और अल्लाह ना नशा पढ़ाता हाथ छर बंदे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डायरेक्ट तलक कायम किया और फरमाया छोल वाला चातुर इन्होंने फरा ना कर दी बड़ी की थी तीजा बन गए ये ना मीर सा मियाँ साहब आ जान तो बैठ करते कर दे मियाँ साहब आ गए तुसी चलो भाई बाहर चलो ये जो कहते हैं ना हम रोज मरा मुशाहिदा कर रहे कोई गरीब आ गया वर्कर उन कहीं आया तो बाहर चल कोई तो आ गई मेरा सब आ जाओ अंदर आ जाओ। तो सूर के छे कहा वाला तातर ये छे छे अरे वाला ले ले अगर लिखना तो लिख ले ये शान साहबा इनका क्या पता साहबा की शान क्या है ये देखें छे मैंने जरा आजम साहब दसो बोला तत्र हाँ आए नाम है हमने कुरान स्टडी नहीं किया मेरे भाई ये देखें सफा नंबर 164 है 652 शाने सहाबा शाने मोमिनीन आप ही बन सकते हैं पाबंदी नहीं लगाई अल्लाह ने ये बच्चा बन सकता है यह बच्चा बन सकता है बड़ा बन सकता है आते बन सकती हैं अल्लाह के नज़दीक हो सकते हैं। उन अल्लाह ने अपने साहबा अपने ईमान मरण से मतलब आकर अपने रसूल को ये हिदायत दी ये हिदायत की है
वला तत्रुद, तत्रुद ना परे करना अपने को, जो तुकार देना घटिया समझना। तो अल्लाह ने पाया एरसोल आपने ये काम नहीं करना। वला तत्रुद किन के लिए? अल्लाह जीना याद रोना रब्बा हम बिल गौदादी बच अच्छी शाम जेड़े लगे नहीं उन्हें जेड़े मेनु मेरी गिरफ्तार हो गए, मेरी मोहब्बत गिरफ्तार हो गया। अल्लाह कह रहे हैं याद उन जो मुझे ही पुकारते हैं दिन रात, मुझे ही मांगते हैं, मेरे से जो डिमांड है मेरी मोहब्बत याद रोना रब्बा हम बिल गौदादी बच अच्छी। आप अजय कबर पर बनी थी, ये मैं आशा बने आज फंसा ही मैं बने, इनको रास्ता मिलेगा, बच्चा बने रास्ता मिलेगा। ओला करीब कर लेते अपने याद रोना रब हम बिलगा दादे वही अवशी अगले लफ्ज दे के यूरी यूरी दू ना वजह उसके मुरीद वो बन गए। अल्लाह के मुरीद साबा है, ये अपने मुरीद बना के बैठे हैं। धन किने दे पावर, किसने हथियार दिया लोगों को अपने अपने हजरों में अपने पहना के उनको मफलर वन समय टोपियां अपने कैदी बना लेंगे। तो फलाने कैसे हो, फलाने की कैसे हो, फलाने की कैसे, मेरे को लखा नहीं, मेरे तो लखा मरीद है, मरीद अल्लाह का बनया यूरी देना वज हो मेरे वाली तक दे देने यानी हुक्म दे इंसाज रहने इन्होंने पढ़ा है ना कहीं रसूल का तलीम दी जाए क्या कुरान तो हमें समझा ही नहीं गया। शफीक साहब फरमाया रसूल मा अलैका मिन हिसाब में उनके काउंट में आपका कुछ नहीं है, ना तेरे काउंट उन्होंने अच्छा ना उन्होंने कर्म से हिस्सा वो काउंट ही दादा दादा मैं कर चढ़े तो उन्होंने माँ अलैका नहीं आपके मुझे मिन हिसाब मिन से आपके कथे उन्होंने मेरा उन्होंने डायरेक्ट उन्होंने खोलिया सो बैंक अकाउंट अपना उन्होंने अकाउंट खोलेगा मेरे को हाँ। तो आपका अकाउंट अलग है वाह माँ मिन हिसाब अलै आपके अकाउंट में भी फर्क है, उन्होंने अकाउंट में फर्क था ज्वाइंट अकाउंट नहीं है फर्क फर्क अकाउंट के करते हैं। अच्छा अगली बात सुन रहे मेरा सर देखें आज जी जी मैं देख अल्लाह ताला फरमाया फततरुदा हूं देखें ये है इलाही तालीम, ये है इलाही तालीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है 1400 साल पहले और तन की अपना बीमारी है तो तुझी अल्लाह दी मखलूक ने अपने कंट्रोल कीता क्यों कीता तुसी इलाह बनया अल्लाह दे मतलब मुकाबल खड़े फरमाया फततरुदा हूं इलाह और छोटा बाहू जरा गौर से सुने मेरा कहता है अल्लाह कहता है अगर आपने रसूल ये काम कर दिया उनको परे कर दिया था हेड की दिया जो हुई अब चौरी साहब आ गए तो यार जरा चल नहीं बाहर पैर मेरे को बाहर बैठा देने मैंने बिजली करना कला अल्लाह चला फता क्यों ना मिल जाए ये रसूल से क्या कह रहा है कि आप जालिमों में से ना हो जाए चल जब माँ करते ही डर लगता है फता क्यों ना मिल जाए किस को कह रहा है रसूल का ये अल्लाह तक कह सकते हैं अल्लाह तक कह सकते हैं जो जालिम किया ये हमारे लिए और ना नहीं जुलम किया किसी पे मोमिन नाल ला के रखे और जब बुनियादियां इटा होते हैं ये तो फिर इस तरह होता तो फिर करोड़पति अगली सफ में हाँ, पड़ता हाँ, और गरीब सबसे पिछले ऐसे ही है ऐसी हाँ, आज्ञा है उसके बाद ये सिस्टम आ गया दूसरों को महरूम कर दिए खुद आगे बह गए गदियां खुतबों में तकरीरों में शुक्रिया अदा और हां महमूद साहब का शुक्रिया अपना ने वजीर हां जैसा चंदा दे हत्या नारे मार सलामत का जिले पे पता कौन ना मेरे जालिमिन ये आके कहां छुपा के रखी है बता ना जरा ये है साहबा ये है मोमिन। चलो वाइंड अप कर लें 22 वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून थोड़ा सा टाइम हो जाता है माइंड ना करना ये आपको सोचे मोती मिल रहे हैं ये नहीं मिलेंगे आप
हाँ साल का आखिर दिन है, चल कोई बात नहीं, 10 मिनट ज्यादा ले लेने तेरे। इसने तुम्हारे लिए अल्लाह कह रहा है कि या यूहन्ना सुअबुदु रब्बकुम वल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम, ये कुमकुम जमा का ठीक है, तत्तकुम, ताकि तुम मेरा कंट्रोल में रहो, मेरे कानून की पाबंदी और मेरी रेट काम करो। सादा लफ्ज देते आंदे ने बयान, और रेट को ठीक गवर्नमेंट होनी चाहिए, रेट ऑफ विद गवर्नमेंट नहीं ताड़े मुल्क से तो अल्लाह दी है के तो आई रेट का से काम होगी। तकवा का मतलब ये होता है रेट ऑफ अल्लाह को अपने मनाफुज करना, ये तकवा है। इन्हें तो एक लिखा परहेजगिरी करे नमाज, अल्लाह के बंदा तकवा उसके कंट्रोल में रहना, उसके डिसिप्लिन में आना, ये होता है तकवा। अल्लाह के कानून को यानी कानून है कि तुसी गलत बयानी नहीं करनी, कुल कौलन सदीदा कह स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करी, ये कानून लागू करे अपने पर, ये है रेट ऑफ अल्लाह, ये तहीद है। जब वो कह रहा है कि तुसी माँ बाप ने नाल के करना एहसान करना, उदा बिगड़ा हो तो दुरुस्त करना, ये हुक्म है तो करो, और कौन सा कर्म सीखना है, ये रेट ऑफ अल्लाह अपने छोटे छोटे मालूम लाते हैं या बड़े उसके अंदर फॉलो करते जा, ये तक अब है इतना मुझे उठ को बुलाया हुआ है, इतनी माजा नफर ये तस्वीर है, वो ऐसे ऐसे कर देने तस्वीर, और तकवा का मतलब सिंपल अल्लाह दी रिटर्न अपने ऊपर नवा करना, सारी कायनात जो उदा हुकुम उदी रेट कायम है, रेट अफला कायनात ते जारी सारी इंसानी दुनिया च नहीं है। उसका मतलब अंबिया के भेजने का मतलब भी यह था अपने इंसानी दुनिया इस निज़ाम ने नाफज करके चलने का, कहाँ नफोस है, है अपनी जाते नहीं अलग कर दे कहना थे कि दुनिया की ये करने है, ये है करने का काम रेट ऑफ अल्लाह। इसको कई किबरियाई उसकी किबर उसकी किबरियाई को अमली तौर पर एस्टैब्लिश करने का नाम रेट ऑफ अल्लाह है। वकबिर हो तकबीर उदी बढ़िया उदी किबरियाई मुन उदे कावानी ना नेफास आगे है अगली आज फिर करने बैठे कहता है अल्लाह का तारफ मजीद 22 क्या है 22 अल्लाह जी जाला लकुमुल अर्दा फिराशन, ये अल्लाह ही है तेरे जमीन को बिछाना बनाता है, 100 मंजिला 1000 मंजिला ले लिया और कुछ नहीं होता मिलने में, इतनी पुख्तगी है इस जमीन के अंदर अता की है, कुरान बक गया है तुसी और नहीं करते तौहीद, ये तौहीद है और तौहीद किसके ज़रा बान लाओ जी कमरे से बंद कर लो बत्तियां बंद कर जबर बंद है हेलो हेलो क्या क्या मतलब भाई ला इला जबर और ला इला तो समझो है कि ज़रा बान लाने वास्ते है ला इला निज़ाम एस्टैब्लिश करना पहले निज़ाम नु खत्म करना अल्लाह दे निज़ाम अच्छा लगता है बादशाह को अमली तौर पर नफज करने का नाम है इन्ना लुक्मा इल्ला लिल्लाह। हाँ तुम फरमाए अल्लाह दी जाला लकुल मुल अदा फराश वसमा बिना आसमान छाते आगे है वा अंजरा मिनस समाई मान उसने पानी भेजा आसमान से नाजर किए उस पानी से क्या हुआ है फा आखरा जब भी मिन सामारात ये जा कुछ बाहर है बारिश के हैं ये हरियाली जितनी है नजर आती है ये बारिश सिस्टम की वजह है वो जो पानी नजर आ रहा है। अगला नुकता अल्लाह ने जो समझाया मैं जब से मुझे इस आयत दो नाते समझाई आग लगाई इसमें
वैसे नहीं दे रही है ये आचरण, यकीन जाने ये है इस जालिमाना जागीरदारा निजाम के खिलाफ कर रहा है अखबार। कहते हैं अखराज भी उन पानी के जरिए समरात निकाली, समरात किसके निकाली गिर ध्यान करें, कहता है रिज़्क़ुल लकुम लकुम पूरी बनी नॉन इंसानियत के वेलफेयर के लिए सारा कुछ किया है, किसी जागीरदार को हक नहीं दिया तो जमीन पे अपने कब्जे में कर ले, रिज़्क़ुल लकुम ये सबसे बड़ा जरिया है होता है इंसान की बुद्धिवश के लिए बढ़ोतरी की, रिज़्क़ का बंदोबस्त ह्यूमैनिटी ऑन द होल बंदोबस्त किया है अल्लाह ने, सबके रिज के बंदोबस्त बस जमीन से किया है, ये फसलें ये जो खाते पीते हैं चावल हैं गंदम जो अल्लाह ने पैदा की, और ये सब के लिए एक जागीरदार को हक नहीं है 20,000 एकड़ मैं तू मामा लगना जमीन दो तू बनाइए जमीन तेन किसे आता तू जमीन के टुकड़े करके अपने कब्जे कर ला, ये जागीरदारी निजाम का खात्मा चाचा करो, जमीन का वागदार करो, हरी वन बंदे बेचारी मजदूर के साथ लटके माल तो ए फलाना हाउस बन गया ये लाहौर च फलाना हाउस बन गया और बार बन गए, और पैसा ये जमीन का पैसा है तुम्हें किसने इख्तियार दी, हर शहर में बनाओ मोहल्ला दो और उसके ऊपर सियासतें करो, किसने दिया तुम्हें इख्तियार। आगे जो नुकता समझाया आज साहब आज आप आए हैं फिर अल्लाह का पता जिंदगी फला ताजू लिल्लाह अंदादान कुरान आप समझ जाए कुरान कैसे समझ जाते हैं, फला ताजू मत बनाना अल्लाह के मद मुकाबल अंदाज, अंदाज है अंदाज होता है अल्लाह के मद मुकाबल खड़े हो जाए कब्जे करके ओदी जमीन थी ओदे पसाइन उधर उनको उनको देन जो अल्लाह ने 1400 साल ये नुकता पला था मत बनाना अंदादन, अंदाद कहते हैं अंदाते ये जो हमारे नजर आते हैं मोटे मोटे पेटों वाला और गाड़ियां जहाज और मोहल्लात ये कौन है, ये अंदाज है अपनी अतिरिक्त जहन में डालें, अंदाज के खिलाफ बगावत चली आ रही है हजारों सालों से, मक्के में आपके असल के आने से ख़त्म हुई थी कुछ देर के फिर ये अंदाज हजार 1200 साल से हमारे मुसलत है बड़ी मजहबी पेशवा ये तारीख है मेरी, इनका कलाम कामा करना इनको एक्सपोज करना ये एक मोमिन पे फर्ज है, अंदाते अंदाज अंदाते के कहते हैं मुसाइल कहते कब्जा करके आप अंदाजा बन गए असी घर देंगे जी इन्हें घर बना तेरे प्यो की तो मैंने कोलों बनाना जब तक 20,000 एकड़ 50,000 रखे उदे तक घर बना ना लोगों के वास्ते जमीन सरकार तू मामा ना असी तेरे मेरे ज्यादा मैनेजमेंट कर सकते हैं ईमानदारी ने नाल आमदनी ज्यादा कर सकते ये लेके दम छले आके असम ये भेजने और दम छले में जो कर दे जाके आवाना सत्यानाश ये अंदाज है मैं आपको ये अंदाज ये हैं लोग सरमायादार जागीरदार जिन्होंने नजायज दौलत का इतकाज किया हुआ है ये अंदाज है और अल्लाह ने इस बात से मना किया था अंदाज मान फला था जो आलू लीला अल्लाह के मुद्दे में को मत खड़े होना मत हमसर ना बनना फला ताजअलू लिल्लाही अंदादम व अंतुम तालमून, अगर तुम इस नुकते ने जान लो अल्लाह कह अगर तुम इस बात ने जान लो तो मैंने बड़ी हकीकत बयान कर दी, क्या बात कुरान की कहना वन तुम तालमून अगर तुम नोट कर लो इस बात ना मैं बड़ी बात अल्लाह तआला कह रहा बड़ा नुकता समझ जाता है, ये थे उन अंबिया जो इनके
खिलाफ बगावत करते थे, अंदाज को खत्म करने की मोहमिन थी, सब अम्बिया की एक ही मोहमिन थी। अब मतलब अंदाजियाँ खत्म करो, ये शेर के मुजाहिर कुछ बुत की शक्ल में खड़ा कर लिया, किसी इंसान की शक्ल में खड़ा कर ली, अंदाज में धोनी ला बन गई। कुछ समझ आ रही मेरे भाई? एक मैं एक रिक्वेस्ट करनी है, ये सूरह असाफ निकाला उसी की रोशनी भाई, बस फिर कुछ माइंड अप कर। हाँ हम क्या करें, हमसे क्या तवक्कुल करता है? ये देखें साफ तरह से बोल, 61 ही है, 81 एक डिमांड करता है हमसे, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अगर समझ आ गए तो बड़ी बात हो गई। मैं अभी अभी एक एक छोटी सी एक यही मालिक की किताब है हमारे, ये आई है, काश ऐसी समझ रही है बस। बड़ी जबरदस्त आज अल्लाह ताला एक डिमांड कर रहे हैं उनसे, ये है ना नुसरत करनी अलग जीना आमनो इत है छापी है 61 की, हाँ मेरा भाई है, इस आज का आखिरी आज आपके आज के दर्श की ले जाए तो आप अपनी अपनी तवज्जो मरकूज कर लें इसके ऊपर। क्या एक बंदे के भी पास गए हैं थोड़ा हफ्ता, जब बताएं मुझे ईमानदारी से बताएं, एक हफ्ता गुजर गया किने कौन बंदा कितने के लेके गए पैगाम दावत तौहीद, कौन लेके हाथ को करे कर दरअसल शाबर शाबर जो इस आयत को समझेगा आप घर बैठे चल सकते। अल्लाह किसी दी की मदद का मोहताज है नहीं है तो यहाँ तो मदद मांग रहा है, देख रहे वही बात ये तो मदद मांग रहा है उनसे। देखें अल्लाह तो फरमाया या अय्युह लज़ीना आमनू, ईमान वाले को मुखाता कवर करके फरमा रहा है कूनू अंसार अल्लाह, आजम साहब अल्लाह दे मददगार बन जाओ, देखो अल्लाह दे कानून दी मदद करो ते नु एस्टैब्लिश करो, अल्लाह दा ना मदद ना बंदा ईमान वाले, ईमान वाले के ईमान वाले के बगैर कभी इनकलाब बर्पा ही नहीं हो सकता था मदीना के अंदर। ओ समझ गए सन अल्लाह की डिमांड कर, और सीने तान के बाहर आ गए थे खोल के आए अल्लाह की इमदाद कर या ये नहीं अल्लाह की जरूरत है तो बेच मार मुखलो को जिन्हें मर्जे मार के छड़ दे, नहीं अल्लाह का कानून है जरा दुनिया के अंदर निजाम कानून होना ना मेरा ताड़ी जरूरत है तुसी करना ताड़े थी कराना तुसी करना चाहो ना बदाज को अंसार अल्लाह अंसार ना मददगारी करना अल्लाह मदद कर मांग रहे हैं ईमान वालों को से तावन मांग रहे हैं मदद मांग रहे हैं हेल्प मांग रहे हैं। ये समझने वाली बात अल्लाह नहीं मोहताज लेकिन तारी दुनिया से ताडे हथा उन्हें एस्टैब्लिश कराना अपना निजाम
तानू आनर देनी मकसद मोमिनी नहीं करना कहते ना मिसाल दी थी अलन गिल साहब मिसाल दे रहा आमनु कूनु हो जाओ अंसार अल्लाह बन जाओ अंसार अल्लाह किस तरह कमा काला ईसा बन मरियम लिल हवारी जिस तरह कहना मसीह इस्लाम ने अपने साथियों को मदद मंगी थी ना मेरे मददगार उस तरह तुसी रसूल दे मददगार बन जाओ क्या क्या इनके पास थी यार मैंने दुख होता है कोई हम लोग करो जो उन्होंने किया जो उन्होंने कहा आज के अब जी भी वही रिजल्ट पैदा हो के रहे हैं वैसा अगर अमल होगा तो कौन अनसार ला उन्हें कह कैसा कमा काला ये सब जैसे के मसीह अलैहिस्सलाम ने अपनी हवारियों क्या हवारियों कंपनी साथियों के ये मन अनसारी ला उनसे कहा था कौन अल्लाह का मददगार बनेगा तो उन्हें साथियां फलोस ने लोग सन ईमान उन्हें क्या काल हरवारी हो ना नहनु अनसार लो आप भी कह रहे क्या आप नहीं कह सकते हम नहीं कह सकते यार ये आम काम ऑनर है इस निजाम के खिलाफ फाइट करना तौहीद के निजाम को पेश करना कोई है इसका आपने क्या पता मुआवजा के रखा था यही जन्नत की बुछारते मिली यही करा ये तो कान ऐसे खोल खोल के समझ आता है इंसान तहरीक पैदा कर अल्लाह तरफ फमना ताइफ तुम मिन बनी इसराइला व काफर ताइफ जब उन्होंने ये कहा मसीह अलैहिस्सलाम कि एक गुरोह मन गया दूसरे ने इनकार किया उन्होंने कहा चीन बनने मदद लगा ते उन्हें होया कि जरा नहीं बने फरमाया फैयदन लजीना आमनु अला दोहिम फअसबहु जाहिदीन ये होया जरा ने ईमान ले आना उन्हें दे हाथ कर की तरह उसे करते बोलो गलम गलम आप आ गए हो बाकी तबाह बर्बाद हो गए ये है कुरान इसके एक लफ्ज मेरे भाई अब और करो और जन घर में नहीं बैठना एक बंदे के पास जाओ ये पैगाम इलाही लेके अब ये तौहीद ला इलाह एक बंदा दो बंदे मैं एक दोस्त के साथ फोन पे बात कर रहा मैं क्या कभी स्टेट लाइफ वाले को देखा जो उनका होता है ना शेर एसआर कहते हैं सबसे ज्यादा उसको हिस्सा मिलता है टॉप पे होता है सारी दुनिया में ये सूर उसका 45% तक शेयर होता है एक सेज में का क्यों के बरकत का है शिकार मार के होता सारे खाते तो 5% पाना 10% पाना चलते और फलाना उसका सब तो टॉप पे रखे पागल है दुनिया भी लिया वो कहना हाँ गलते ठीक तो आप सही से मैंने बने ये करंसी वो देगा जो यहाँ करंसी नहीं है उसकी करंसी मुफ्त है ना डॉलर ना पाउंड है उसकी अपनी करंसी उसके उसमें पेमेंट करेगा करके देखेगा ये ईमान की बात है ईमान की ईमान मौजूद एक बंदे को तुम नहीं जा सकते सारे हफ्ता कितने घंटे बंद है बताए कितने लोग जाएंगे ए, इसको कह बलाग करना बल माँ उन जिला ये एसूल सब तो बड़ी ड्यूटी आपकी कन्वे करना मैसेज मेरा तौहीद भाई लम तफल तुसी माँ बल अगर रिसाला तो तुसी फरीदा रिसालत अदा ही नहीं किया अब अगर ये बलाग नहीं किया उन्होंने किया असी नहीं कर रहे अज भी ओ ही रिजल्ट आएंगे अज भी अल्लाह ताला दोनों ईमान हमारे च दाखिल कर दिता अज ही कोई सी गल नहीं है हमारे सामने नक्शा मौजूद है उस दौर का ये कुरान के अंदर वाखिर वाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिरहमतिका या अरहमर रहीम समिअना व अताअना गुफराना रब्बना व इलैकल मसीह रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कौमा हमलता हो अल्लाजीना मिन काबिलना वला तो हमिलना
माँ ला ताकत लाना भी वाफो अन्ना वफिर लाना वरहमना अंता मौलाना अंसरना अलल कौमिल काफिरीन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا فتنة للذين فسقوا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم اے ہمارے بارے الہ یہ چھوٹی سی کاوش ہمارے دوستوں کی مجھے بھی اللہ تک تو توفیق دی یا مولا یہ اس سال کا آخری دن ہے ہماری یہ جستجو آرزو ہے ریکویسٹ ہے ہمیں اس قرآن کے ساتھ جوڑ دیں ہمیں اس کا علم اور فہم عطا فرما ہمیں اس قابل کر دے کہ اس کے نظام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آگے بڑھیں صحیح صحیح ہمیں بات پیش کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما جن جن بہنوں بھائیوں جنہیں جس نے بھی قرآن سنا آج کا درس ان کے سب گھروں کے پر رحمت برسا ان کو اس قرآن کی برکات سے نواز دے ان کا سب کا تعلق اس قرآن کے ساتھ جڑے جڑ رکھی جو بہن بھائی فیصل آباد ہیں آج ماشاء اللہ وہاں انہوں نے کیا ہے تمام ان کے ہر طرح کے مال ملاتے میں آسانیاں پیدا فرما ان کے علم اور اضافہ فرما ہم سب کو اس قابل کر دے اس قرآن کی آواز کو گھر گھر گلی گلی کوچے کوچے پہنچانے والے بن جائیں اس ملک اوپر رحمت فرما ہنمائی جان چھڑا دے ان انداز سے ہمیں اس قابل کر کہ تیری پروگرام ہم لے کے اٹھیں واخر وانا الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا رحمان